नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोलिया रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम मखाना और मूंगफली से एक रेसिपी तैयार करेंगे। जो रेसिपी है वो बहुत ही हेल्दी भी है और ठंडी के दिन में खाने के लिए बहुत अच्छी है। तो चलिए चालू करते हैं अपनी मूंगफली और मखाने की रेसिपी। तो अभी हम मखाने को भून लेंगे। एक कटोरी मैंने ये वाले इससे मखाने लिए हैं, इसको हम भून लेंगे। प्रोटीन से भरपूर रेसिपी है और ठंडी के दिन में बहुत ही अच्छी है। मखाने से हड्डियां स्ट्रांग हो जाती है। इसको अच्छे से भून लीजिए कम गैस के ऊपर। ज़्यादा गैस करेंगे तो जल्दी से जल जाएंगे और नरम ही रह जाएंगे, कड़क नहीं होंगे, इसीलिए कम गैस पर भूनना है इसको। ये देखिए अच्छे से अभी ये भूनकर तैयार हो गए। अभी हम गैस बंद कर देंगे और इसको मिक्सी जार में पीस लेंगे थोड़ा सा 5 मिनट ठंडा होने के बाद। ये देखिए हमने मखाने को ऐसे पीस लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं किया है हमने, थोड़ा सा दरदरा सा ही रखा है। देखिए ऐसे इसको अलग रख देंगे। अभी मूंगफली भी हमने लिए है तो इसको मैंने भून लिया है और इसका छिलका निकाल दिया है। देखिए आधा कटोरी मूंगफली है। अभी हम मखाने को भी माप लेंगे। आधा कटोरी मूंगफली थी, अभी ये देखेंगे ये भी आधा कटोरी के बराबर हो गया है। ये देखिए जितनी मूंगफली है उतने अभी मखाने भी हो गए हैं। इसी में से गुड़ लेंगे, गुड़ को मापेंगे हम। ये देखिए मैंने आधा कटोरी गुड़ लिया है। अभी हम अपनी रेसिपी तैयार करेंगे। अभी हम रेसिपी तैयार करेंगे अपनी मूंगफली और मखाने की। पहले इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। अभी हम गुड़ डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। अभी अच्छे से हम गुड़ को मेल्ट होने देंगे। हम मखाने और मूंगफली की चिक्की बनाने जा रहे हैं। घी में अच्छे से भूनकर गेहूं का आटा इसमें डाल सकते हो, लेकिन मैं गेहूं का आटा नहीं डालूंगी, ऐसे ही बनाऊंगी मखाना और मूंगफली से। और चिक्की के लिए गुड़ भी अच्छा होना, गुड़ में अपने चिकनापन होना तभी अच्छे से चिक्की बनती है। दुकान में आसानी से मिल जाता है ऐसे वाला गुड़, टिक्की बनाने वाला। सिर्फ टिक्की बनाने वाला ही गुड़ इस्तेमाल कीजिए, बाकी का जो गुड़ रहता है उससे नहीं बनेगी टिक्की। ये देखिए मेल्ट हो गया है अपना गुड़। अभी हम अपनी मूंगफली डालेंगे और मखाना भी डाल देंगे और मिक्स करेंगे। इलायची पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपको डालना होगा तो आप इलायची पाउडर भी इसमें डाल सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही बनाऊंगी। इसमें आप तिल भी डाल सकते हो। चिक्की का सारा अभी कड़े से भी अलग हो रहा है, देखिए और कलर भी बदल गया अभी थोड़ा सा। ये देखिए गाढ़ा भी हो गया अच्छे से, अभी कड़े से भी छूटने लगा है।
ये देखिए कलर भी चेंज हो गया है और गाढ़ा भी अच्छे से हो गया है। आप एक प्लेट में निकाल दीजिए थोड़ा सा, और ठंडा होने के बाद कड़क हो जाएगा तो तभी समझेंगे कि अपने चिक्की का जो सारन है वो परफेक्ट है। अभी ये तैयार हो गया है, अभी हम गैस बंद कर देंगे। ये देखिए अभी ये देखिए ऐसे चिकना भी नहीं है, देखिए ऐसे नीचे गिर रहा है, यानी जल्दी से ऐसे नीचे गिर जाता है। देखिए ये देखिए ऐसे ऐसे अभी अपना सारन बराबर तैयार हो गया है, यानी परफेक्ट है। अभी हम गैस बंद कर देंगे और सेट करेंगे चिक्की को अपने, यानी पत्थर का ये संगमरोरी पत्थर का इसमें हम सेट करेंगे। मैंने इसको घी लगा दिया है, अभी अपना इसमें सारन डालेंगे। और इसको भी हम फैला देंगे। अब इसको हम ठंडा करेंगे। अभी ये थोड़ी सी ठंडी हो गई है तो अभी हम थोड़ा सा इसको काट लेंगे इसे। होने के बाद कटेगी नहीं बराबर, इसीलिए मैंने अभी थोड़ा सा ठंडा होने के बाद थोड़ा सा काट लिया है मैंने। अभी हम अच्छे से भी इसको ठंडा करेंगे। ये देखिए, ये देखिए अपने मखाने और मूंगफली की चिक्की तैयार हो गई है। ये देखिए, ये देखिए इन्हें ऐसे जो साइड के है वो मैंने इसे निकाल लिया है। देखिए ये देखिए, ये देखिए कड़क हो गई है। ये देखिए टेस्टी लगती है और अच्छी भी है ठंडी के दिन में। तो मेरी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए, अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। धन्यवाद।